जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एकादशी का दिन है, आधा दिन हो चुका। तो एकादशी माध्यान्ह करीब करीब आधा वर्ष होने आया, आधा दिन होने आया, आधे से ज्यादा उम्र हो गई हो शायद। तो आधा तो हो गया, दो गए तेरे मिलने से पहले। अब ऐसा न हो कृष्णा कि दो गए तेरे बिन। चार दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन। पंद्रह दिन का होता है पूनम से अमावस्या, फिर आएगी उसमें ग्यारह तो हो गए। एकादशी याद दिलाने आई। Behold, 2/3 of my life is over. इसलिए एकादशी का महत्व। ये ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, अब 1/3 बाकी है, 1/3। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर 15वां दिन, फिर चंद्रमा का अस्त, अंधकार, मृत्यु। फिर चंद्रोदय, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। फिर एकादशी। सावधान, जीवन के तीन भागों से दो भाग हो गए। एक अपने लिए रखा बचपना, मित्र, सीखना, खाना पीना, घूमना कमाना, सोना, मस्ती करना, मजे में रहना, उसमें एक हो गया जिसे शरीर माना था, मन माना था, जो खाना है खा ले, जो करना है कर ले। दूसरा हिस्सा परिवार जन के लिए रखा, पुत्र, पौत्री, वधु, पत्नी, पति, माता पिता, बंधु भगिनी। आदान प्रदान किया, लिया दिया, आमोद प्रमोद, गए बुलाया, लिया और दिया, बहुत इकट्ठा किया। दूसरा हिस्सा चला गया जीवन का। वो लोग दूर होने लग गए, पुत्र पुत्री अपने जीवन में लग गए, शरीर इतना खाकर पचा नहीं पाए, ज्यादा घूमने की इच्छा नहीं, थकावट आ जाए, और पढ़ना नहीं है, समझ में नहीं आता, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता। ये बचा है तीसरा हिस्सा। 15 दिन के पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, अब आज एकादशी,
तीसरा हिस्सा बचा है। दोपहर आधा ये भी हो गया, दिन आधा वर्ष भी समाप्त होने को आया ही रहा। सावधान मेरी बहन, मेरे भाई, माँ, गोकर्ण ऋषि कहते हैं 18 वर्ष की उम्र में अपने करीब 80 वर्ष के पिता से, पिता अब तो प्रभु थोड़ा विराम दो। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पापा जी अब तो विराग, अब तो भक्ति, अब तो ईश्वर में निष्ठा। ऐसे प्रभु थोड़ा बोलना कम करे। बाहर की आवाज अगर कम करे तो भीतर का कुछ सुनाई दे। विलक्षण, ऐसा विलक्षण ध्वनि, ऐसी दैवी आवाज सुनाई दे भीतर कि बाहर का रस मिट जाए, वैराग्य का रस उग जाए, वैराग्य राग रसिक हो जाए और उस रसो वैसा जिसके लिए वेद पुरुष ने कहा उस कन्हैया में मन लग जाए। भाव भक्ति निष्ठा, फिर अपने साधु पद में स्थित साधुत्व को प्राप्त हो, साधुवाद हो, धन्यवाद हो, जय हो। साधु जन सब मेर मैं दुख न काहू दे, अपने मत गाढ़ा रहे साधन का मत एही। साधु बनकर रूठ नहीं जाना है, दूर नहीं हटना है। साधु जन सब में रमे, किसी को डांटना नहीं है, दुख न काहू देही, किंतु अपने अनुभव का आदर करना है, अपने विवेक को प्राधान्य देना है, अपने मत गाढ़ा रहे साधुन का मत एही। तू जानती है ना, अनुभव कर चुके हैं ना, तो पक्के हो जाए उसमें। ये कुत्ता बकरा बिल्ली की नहीं, चबर चबर में नहीं है आनंद। आनंद तो स्वयं में है, क्योंकि हम ही आनंद स्वरूप है। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अब इस रस का आस्वादन ले, फिर से नहीं गिरे यहां से, संभल जाए, कहीं पैर फिसल न जाए, अन्यथा फिर चकनाचूर। फिर से अमावस आ जाए, फिर से अंधकार। ना ना,
अब ये पूर्णिमा का चंद्रोदय होगा, उस समय स्थित होना है, प्रभु राम चंद्र की भक्ति करनी है, कृष्ण चंद्र की आराधना करनी है, अस्त को नहीं जाना है, लय नहीं पाना है, उदय होना है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात, पिछली बार हमने सुना भक्ति योग में इसका अभ्यास करना है, ज्ञान से समझ के कार्य करना है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, इस पर गाढ़ा विचार करना है ध्यान द्वारा। ध्यानात सर्व कर्म फल त्याग, जबरदस्ती मृत्यु छुड़ा ले थप्पड़े मारकर उसके पहले स्वयं ही छोड़ देना है आनंद से। तेरा तुझको देत है प्रभु क्या लागे मोर, त्यागा शांतिर अनंतरम, ये शांति का मार्ग है, असीम शांति, गहरी शांति, अपने आत्मा की शांति, ईश्वरी वैभव। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।